तारीख थी 14 दिसंबर और साल 1966। राज कपूर का जन्मदिन था। जलसे की तैयारियां शबाब पर थीं, फिर भी वो पूरे मन से खुश नहीं थे, कुछ खोए खोए और परेशान से। तभी उनके घर के फोन की घंटी बजी। राज कपूर ने फोन उठाया और उधर से किसी के रोने की आवाज सुनते ही फोन काट दिया। वो जल्दी से रवाना हुए, पूरे रास्ते बेचैन और रोते रहे। उनकी कार प्लॉट नंबर 289 रिमझिम बंगले पर जा रुकी। राज तेजी से घर के गैराज की ओर भागे और वहीं बदहवास से गिर पड़े। लोग उठा रहे थे, लेकिन वो बस रोए जा रहे थे। गीतकार शैलेंद्र महज 43 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इस खबर से मानो राज कपूर का दाहिना हाथ कट चुका था। अपने इस दोस्त के जाने से गमजदा राज को संभालना मुश्किल हो रहा था। जिस तरह शैलेंद्र के गीतों के बगैर राज कपूर की फिल्मों की कल्पना नहीं मानी जाएगी, निजी जिंदगी में भी ये दोनों एक दूसरे के लिए उतनी ही अहमियत रखते थे। ये भी एक इत्तफाक ही है कि वक्त के पन्नों में इन दो जिगरी यारों के जन्म और मौत की एक ही तारीख मुकर्रर हो गई, और वो है 14 दिसंबर। राज कपूर के जन्मदिन पर शैलेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूं। शैलेंद्र के गीतों को सुनना कभी सुकून देता है तो कभी तेवर में बगावत भर देता है। उनके अल्फाज कभी रूहानी दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं तो कभी समाज के कड़वे सच के धरातल पर पटक देते हैं। शब्दों के सम्मोहन को समझना हो तो उनके गीत सुनिए, बेबसी और दर्द की दास्तान को महसूस करना हो तो उनके गीत सुनिए। ख्वाबों में पल रहे इंकलाब की आवाज सुननी हो तो उनके गीत सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। जिसकी कलम से निकला कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। जिंदा है जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, जैसा कालजयी ऐलान भी उन्हीं की कलम से निकला। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। जिसकी स्याही में प्रीत की रूह बसी हो वो कलमकार, जिसने प्यार हुआ इकरार हुआ और ये रात भीगी भीगी जैसे ना जाने कितने गीतों के जरिए रोमांस का जादू जगाया। ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, उसी गीतकार की स्याही में दर्ज हुआ। उनका लिखा गीत मेरा जूता है जापानी पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया था। उनके गीतों में बेजार जिंदगी की बेबस तस्वीर भी मिलती है और लूट के खिलाफ क्रांति का ऐलान भी। जिसकी कलम भूख के लिए भात की बात करती हो, जिनके अल्फाज मजलूमों की आवाज बन गए, दुनिया आज उसे गीतकार शैलेंद्र के नाम से जानती है। ग्लोबलाइजेशन भले ही आज के दौर का जुमला हो, लेकिन 50-60 साल पहले जब भारत के सॉफ्ट पावर की रोशनी पूरी दुनिया में फैली तो उसकी चमक के एक हिस्से पर शैलेंद्र के लिखे गीतों का हक था। उनके शब्द सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दर्द, याद, तड़प, बेबसी और क्रांति पर जो कुछ उन्होंने लिखा वो आज तक किसी और की कलम से नहीं निकल सका। आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी। शैलेंद्र की लेखनी में उनकी निजी जिंदगी का संघर्ष और समाज के लिए उनकी बेचैनी साफ साफ झलकती है। उनके शब्दों में उनकी सोच बयां होती है। क्या आप किसी ऐसे गीतकार का नाम ले सकते हैं जो सिर्फ 43 साल तक जिया और इस देश में इंकलाब का ख्वाब देखने वालों के संघर्ष की आवाज बन गया हो? यकीनन शैलेंद्र ऐसी इकलौती शख्सियत थे। ये रात
थमके और चार दिन से थमके और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए। शैलेंद्र ने होश संभाला तो अपने घर की रईसी पूरे उफान पर देखी। राव परिवार के ठाट और शान और शौकत की मिसालें दी जाती थीं। फिर वक्त का पहिया घूमा और एक समय ऐसा भी आया, भूख मारने के लिए बच्चों तक को बीड़ी पिलाई जाती थी। बेबसी का आलम ये कि शैलेंद्र की इकलौती बहन इलाज ना मिलने से चल बसी। शैलेंद्र का पहला बेटा जब गर्भ में पल रहा था तो रुपए उधार मांग कर पत्नी को मायके भेजना पड़ा, और यही वो वाकया था जिसके बाद फिल्मों में बिल्कुल दिलचस्पी न रखने वाले शैलेंद्र सिर्फ सिनेमा के होकर रह गए। देश ही नहीं दुनिया में उनके गानों ने धूम मचा दी। बुलंदी और कामयाबी का वो मुकाम देखा जो इससे पहले किसी भी गीतकार को नसीब नहीं हुआ। वो अपने दौर के सबसे महंगे गीतकार बन गए। फिर एक निर्णय ने उन्हें ऐसे दलदल में धकेला जिससे निकलने की कोशिश में वो डूबते चले गए, और सरल शब्दों में जिंदगी की गहराई बयां करने वाला एक सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। एक सितारा है आकाश में। शैलेंद्र के बचपन और बाकी बातों पर आने से पहले चर्चा उस वाकये की, जब शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे दिग्गज को फिल्मी गाना लिखने से इनकार कर दिया। दरअसल वो स्वभाव से जज्बाती थे, जबकि मिजाज और रुझान वामपंथी था। वो उस वक्त बंबई आ चुके थे, कविताएं लिखने का शौक तो पहले से ही था, लिहाजा इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के जलसों में जाने लगे। इप्टा का कार्यालय पृथ्वीराज कपूर के रॉयल ओपेरा हाउस के ठीक सामने हुआ करता था। इप्टा का एक जलसा हुआ, अध्यक्षता कर रहे थे फिल्म और थिएटर के जाने माने नाम पृथ्वीराज कपूर। यहाँ शैलेंद्र ने अपनी एक नज्म सुनाई, जलता है पंजाब। नज्म में विभाजन की त्रासदी झेल रहे पंजाब की कहानी थी। वहीं राज कपूर भी आए हुए थे। उस समय तक वो एक फिल्म आग बना चुके थे और दूसरी फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने पर राज कपूर शैलेंद्र के पास पहुंचे। कहा, मेरा नाम राज कपूर है, मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूं। मैं बरसात नाम से अपनी दूसरी फिल्म बना रहा हूं। क्या आप इसके लिए कुछ गाने लिख सकते हैं? माली हालत बेहद खराब होने के बावजूद शैलेंद्र ने कहा, माफ करिएगा, मैं फिल्मों के लिए नहीं लिख सकता। और इस तरह उन्होंने गाने लिखकर पैसे कमाने से इनकार कर दिया। आवारा हूं। इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस राज कपूर को उन्होंने मना कर दिया था, उन्हीं की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए? इसे जानने के लिए आपको ले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। शैलेंद्र का असली नाम शंकर दास केसरीलाल था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि गीतकार शैलेंद्र का बिहार से खास रिश्ता है। उनके परिवार के लोग आरा जिले के धुसपुर गांव से ताल्लुक रखते थे। कामकाज की तलाश में उनके पिता रावलपिंडी चले गए थे, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहीं 30 अगस्त 1921 को शैलेंद्र का जन्म हुआ। वहां इनके पिता केसरी लाल राव मूरी कैंटोनमेंट एरिया स्थित ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल में ठेकेदार थे। इनके पिता रावलपिंडी में काफी रसूखदार शख्सियत बन गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलती देर नहीं लगती। पिताजी बीमार हुए तो घर के आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। फिर पूरा परिवार रावलपिंडी छोड़ मथुरा आ गया, जहां शैलेंद्र के पिता के बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते थे। मथुरा में परिवार की आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि शैलेंद्र और उनके भाइयों को बीड़ी पीने पर मजबूर किया जाता था ताकि भूख मर जाए। मथुरा में ही इनकी इकलौती बहन की इलाज के पैसे ना होने के कारण मौत हो गई थी। आंसू भरी है ये जीवन की राह है। पढ़ाई के दरमियान शैलेंद्र अपने एक दोस्त इंद्र बहादुर खरे के साथ मिलकर कविताएं लिखते थे। शैलेंद्र अक्सर मथुरा में यमुना किनारे बैठकर घर के हालातों से उपजी बेबसी को कागजों पर कविता की शक्ल में दर्ज करते और ढपली बजाकर कई बार इन कविताओं को गाते भी थे। इन सभी आर्थिक परेशानियों के बावजूद शैलेंद्र ने मथुरा से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। अब आगे की पढ़ाई मुमकिन नहीं थी, सो उन्होंने बंबई जाने का फैसला किया। ये फैसला तब और कठोर हो गया जब उन्हें हॉकी खेलते देख कुछ छात्रों ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया और जातिवादी तंज कसे। इस बात से शैलेंद्र आहत भी हुए और आक्रोशित भी। उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक तोड़ दी और इस खेल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे उनको काफी लगाव था।
चल चल रे मुसाफिर चल तू उस दुनिया में। शैलेंद्र अब बंबई आ चुके थे। यहाँ कुछ दिनों बाद उन्हें माचुंगा रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर काम मिल गया। इसी बीच झांसी स्थित दूर की एक रिश्तेदारी में शैलेंद्र की शादी भी हो गई। हमसफर के तौर पर शकुंतला उनके जीवन में जुड़ चुकी थी। शादी के महज 4 दिन बाद ही नौकरी की मजबूरी के चलते शैलेंद्र को बंबई जाना पड़ा। पत्नी से बिछड़ने के दर्द को वो अक्सर कागजों पर उतारते, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि पत्नी को लाया जा सके। दिन ढल जाए हाय रात ना। वो रेलवे के एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां एक तख्त, उसके नीचे कुछ बर्तन, किताबें और एक ढपली के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। रेलवे वर्कशॉप की मशीनों के शोर और महानगरी की चकाचौंध के बीच भी शैलेंद्र के अंदर का कवि मरा नहीं, और उन्हें अक्सर कागज कलम लिए अपने में गुम अकेले बैठे देखा जाता था। चिट्ठी के जरिए पत्नी के बार बार आग्रह पर शैलेंद्र ने शकुंतला को बंबई बुला लिया। कुछ दिनों बाद घर में नए मेहमान ने आने की दस्तक दी। गर्भवती शकुंतला की ठीक से देखभाल हो सके, इसके लिए तय किया गया कि उन्हें उनके मायके झांसी भेजा जाए। शैलेंद्र की माली हालत खराब थी, पत्नी को भेजते वक्त कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इस उधेड़ बुन में वो कई दिनों से परेशान थे। अचानक उन्हें राज कपूर की बरसात फिल्म में गाने लिखने के ऑफर का ख्याल आया। वो सीधा राज कपूर से मिलने जा पहुंचे। वॉचमैन से खबर भेजी कि कवि शैलेंद्र मिलने आए हैं। अंदर से तुरंत राज कपूर ने बुला लिया। जाते ही शैलेंद्र ने कहा, याद है आपने मुझसे गाना लिखने के लिए बोला था? राज ने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। अच्छा तो मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए, जो ठीक लगे वो मुझसे काम ले लीजिएगा। राज कपूर ने 500 रुपए दिए और शैलेंद्र घर जाकर पत्नी के हाथ पैसे पकड़ा कर बोले कि आने वाले मेहमान का स्वागत ठीक से होना चाहिए। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलने। कुछ दिनों बाद शैलेंद्र राज कपूर के दफ्तर पहुंचकर 500 रुपए वापस करने लगे। कहा जाता है कि राज कपूर को किसी शख्स में छुपे टैलेंट को परखने की कमाल की क्षमता थी। उन्होंने तुरंत शैलेंद्र से कहा, कविराज ये पैसे मत लौटाइए, बरसात फिल्म में 2 गाने और शामिल करने की गुंजाइश है, अगर आप लिख दें तो मेहरबानी होगी। शैलेंद्र राजी हो गए। उन्होंने हमसे मिले तुम सजन बरसात में लिखा, जिसे हिंदी सिनेमा का पहला टाइटल सॉन्ग माना जाता है। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जबकि इस फिल्म में उन्होंने दूसरा गाना लिखा, पतली कमर है तिरछी नजर है। मुकेश के गाए ये दोनों गाने खूब चले। इसके बाद वो राज कपूर की फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी हुई। बरसात फिल्म की कामयाबी के बाद राज कपूर ने आवारा फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब तक सिनेमा जगत के लोग शैलेंद्र को शक्ल से नहीं पहचानते थे। हाँ, उनका नाम थोड़ा बहुत जरूर लोग जानने लगे थे। एक बार राज कपूर के घर जाने माने संगीतकार शंकर जयकिशन पहले से बैठे हुए थे। एक सांवला सा शख्स सामान्य कपड़ों में घर के अंदर घुसा और राज कपूर ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद जमीन पर उनके पैरों के पास बैठकर 2 घंटे तक आवारा फिल्म की पटकथा सुनाते रहे। कहानी सुनने के बाद सोफे पर बैठे शख्स के मुंह से निकला, आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। इधर शंकर जयकिशन बड़ी बेचैनी और बेसब्री से इस शख्स के बारे में अंदाजा लगा रहे थे, कौन होगा ये। जब राज कपूर ने पूरी स्क्रिप्ट सुना ली, इसके बाद शंकर जयकिशन को अपने पास बुलाया और कहा कि ये हैं कविराज शैलेंद्र, इन्होंने ही बरसात के वो दोनों पॉपुलर गाने लिखे थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। शैलेंद्र ने धर्मयुग में लिखे एक लेख में लिखा था कि राज कपूर ने पहले तो आवारा फिल्म के टाइटल सॉन्ग आवारा हूं को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास को जब ये सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये तो फिल्म का सबसे प्रमुख गाना होना चाहिए। फिर तो शैलेंद्र की स्याही में अंकित हुआ ये गाना, पूरी दुनिया में बजने लगा। या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। इस गाने ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी, खासकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में। आलम यह था कि एक वक्त मानो ये गाना वर्ल्ड एंथम बन गया था।
आज भी ये गाना दुनिया भर में भारत और भारतीयों का पहचान बना हुआ है। इससे जुड़ा एक किस्सा यहाँ आपको सुनाती हूँ। 1962 में जब चीन के पीएम झाओ न लाई भारत आए तो उन्होंने आवारा हूँ सुनाने की फरमाइश कर दी, लेकिन मुकेश मौजूद नहीं थे तो तलत महमूद ने उन्हें ये गाना सुनाया और चीनी प्रधानमंत्री झूम उठे। इसके अलावा इस फिल्म का गीत मेरा जूता है जापानी भी खूब हिट हुआ था, जो सालों तक बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इस सदाबहार गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2016 में हॉलीवुड की फिल्म डेडपूल में इसे लिया गया था। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। 1951 में रिलीज हुई आवारा फिल्म की कामयाबी के बाद राज कपूर और शैलेंद्र के बीच दोस्ती का वो रिश्ता बना जिसकी मिसालें दी जाती थीं। राज उनकी बहुत कद्र करते थे और उन्हें कविराज और पुष्किन कहकर पुकारते थे। अब शैलेंद्र राज कपूर की सबसे खास टीम का हिस्सा थे, जिसमें शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और मुकेश शामिल थे। इस टीम ने कई फिल्मों आवारा, श्री 420, तीसरी कसम और संगम में बेहतरीन गीतों की सौगात दी। शैलेंद्र ने ज्यादातर गाने राज कपूर की फिल्मों के लिए लिखे, लेकिन कपूर कैंप से बाहर उन्होंने सबसे शानदार और यादगार गीत दिए एसडी बर्मन और देव आनंद के साथ। फिल्म गाइड के गाने आज फिर जीने की तमन्ना है या फिर वहां कौन है तेरा मुसाफिर भला कौन भूल सकता है, वहीं बंदिनी फिल्म के लिए शैलेंद्र का लिखा गाना ओ रे मांझी मेरी साजन है उस पार आपको आज भी याद आता होगा, जबकि सीमा फिल्म का गाना तू प्यार का सागर है आज भी बड़ी शिद्दत से सुना जाता है। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के। शैलेंद्र के लिखे गीतों की सरलता और उनके शब्दों से जाहिर विचारों के लोग आज भी मुरीद हैं। उन पर कभी भी अश्लील या गंदे गीत लिखने का आरोप नहीं लगा। वो प्रेम में मिलन और विरह को भी बड़े भावपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से पेश करते थे। उसी की एक बानगी इस गाने में देखने को मिलती है। एक गीतकार के रूप में शैलेंद्र का सिक्का चल निकला था। वो हिंदी सिनेमा के सबसे चमकते हुए सितारों में शामिल थे। हर बड़ी फिल्म में उनका गाना होता। ये शैलेंद्र की लेखनी का हरफन मौला अंदाज ही था कि वो जिस भी विषय, शैली या सिचुएशन पर लिखते सुपरहिट हो जाता। वो सामाजिक असमानता पर कमाल का लिखते, प्रेम पर लिखे उनके रुमानी शब्द अलग ही एहसास करा जाते, वहीं जब बच्चों की मौज पर कलम चलाते तो हर किसी का दिल चुरा लेते। फिल्म चोरी चोरी का गीत ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं मौसम बीता जाए शब्दों के शहंशाह शैलेंद्र को भीड़ से अलग करने के लिए काफी है। अपनी गुर्बत के दिनों में एकमात्र बहन को खोने वाले शैलेंद्र ने जब इस भाई बहन के रिश्ते पर कलम चलाई तो वो कालजयी बन गया। आज भी रक्षाबंधन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उनका लिखा ये गीत नहीं बजता। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। शैलेंद्र बहुत कोशिश करके नहीं लिखते थे, उनका अंदाज बेहद सहज और सादा था। उनकी बेटी अमला शैलेंद्र ने बीबीसी को एक किस्सा सुनाया था। एक बार बाबा की यानी शैलेंद्र की शंकर जयकिशन से अनबन हो गई, उन्होंने किसी दूसरे गीतकार को ले लिया। बाबा ने उन्हें एक नोट भेजा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बाद में ये लाइनें भी रंगोली फिल्म के हिट गाने की शक्ल में आई। शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की जोड़ी टूटने वाली नहीं थी और आखिर तक इनका साथ बना रहा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कभी। 100 से ज्यादा फिल्मों में शैलेंद्र ने करीब 800 गाने लिखे। इस छोटी सी पेशकश में उनके सैकड़ों सदाबहार गीतों का जिक्र करना तो मुमकिन नहीं। फिल्म बरसात के गीतों से शुरू हुआ सफर जारी था। नाम और शोहरत के साथ शैलेंद्र पर भी मानो पैसों की बरसात हो रही थी। फिर एक फैसले ने उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे वापसी करने के लिए शैलेंद्र छटपटाते रहे, तड़पते रहे, लेकिन न दोस्त काम आए न रिश्तेदारों ने साथ दिया। ये ऐसा वाकया है जिसे सुनाने को जी तो नहीं करता, लेकिन इसके बिना शैलेंद्र की कहानी पूरी भी नहीं होती।
शैलेंद्र बेहद भावुक आदमी थे। 1960 के आसपास उन्होंने महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पढ़ी। इस कहानी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ये कहानी एक गाड़ीवान और नौटंकी की बाई के प्रेम पर आधारित है। बेहद सहज और सधी और मार्मिक, उनके मन में इस पर फिल्म बनाने का ख्वाब पलने लगा। उन्होंने फणीश्वरनाथ से संपर्क किया और इस पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाने की ठानी। किसी तरह रेणु को उन्होंने राजी कर लिया। इस फिल्म के लिए रेणु ने ऑल इंडिया रेडियो की अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 1000 रुपए में एग्रीमेंट साइन हुआ और फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। रेणु और शैलेंद्र ने राज कपूर को हीरो के तौर पर लेने का फैसला किया। राज कपूर महज 1 रुपए लेकर ये फिल्म करने को राजी हो गए, जबकि अभिनेत्री के तौर पर वहीदा रहमान को लिया गया और निर्देशन बिमल रॉय के दामाद बासु भट्टाचार्य को करना था। फिल्म बनाने के लिए 2.5 लाख का बजट और 1 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। इस फिल्म के लिए उस समय फिल्मी दुनिया के एक से बढ़कर एक कलाकार और टेक्नीशियन जुटाए गए। संगीत शंकर जयकिशन का था, लता मंगेशकर, मुकेश और मन्नाडे ने इसके गाने गाए थे। खुद शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने मिलकर गीत लिखे थे। 14 जनवरी को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और काम आगे बढ़ने लगा। इस बीच राज कपूर ने एक दिन शैलेंद्र को सुझाव दिया कि फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है, इसे बदल देना चाहिए। शैलेंद्र और फणीश्वरनाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बात को लेकर शैलेंद्र और राज कपूर में दरार पड़ गई। यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए बातचीत तक बंद हो गई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। शैलेंद्र को इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन 1 साल में बनने वाली फिल्म कई वजहों से खिंचती चली गई और बजट 2 लाख से 25 लाख तक पहुंच गया। 5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन फिल्म पर्दे पर नहीं आ सकी, लिहाजा शैलेंद्र पर कर्ज बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि इस कर्ज के बोझ ने शैलेंद्र को तोड़ दिया था। वहीं बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र कुछ और ही कहती हैं। उन्होंने कहा था कि नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले धोखे की वजह से उनके पिता ज्यादा टूट गए थे। इस बीच फणीश्वरनाथ भी अपने गाँव जा चुके थे। शैलेंद्र बिल्कुल अकेले पड़ गए। ऐसा कोई नहीं था जिससे अपनी बेबसी और दर्द बयां कर उसके कंधे पर सिर रखकर रो पाते। उन्हें बार बार रेणु की याद आती। इस बीच किसी तरह फिल्म पूरी हुई। अब बारी थी एक नए संघर्ष की। फिल्म खरीदने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था। इस सदमे को शैलेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो शराब का काफी सेवन करने लगे थे। राज कपूर उन दिनों मेरा नाम जोकर बना रहे थे। शैलेंद्र राज कपूर के घर पहुंचे। दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। राज ने बस इतना पूछा कि मेरा नाम जोकर का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ कब तक पूरा करके देंगे। शैलेंद्र ने जवाब दिया, परसों तुम्हारा जन्मदिन का तमाशा निपट जाए तो पूरा कर देता हूँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। दोनों के बीच ये आखिरी मुलाकात थी। घर लौटकर शैलेंद्र के पेट में दर्द हुआ तो अस्पताल गए, लेकिन कभी लौट के नहीं आ सके। 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र 43 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांधे भागना। फिल्म तीसरी कसम रिलीज हुई और इसकी कामयाबी देखने के लिए वो सब थे जिनको इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। अगर कोई नहीं था तो वो शैलेंद्र। तीसरी कसम को कल्ट फिल्म माना गया और इसे बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वहीं मेरा नाम जोकर का अधूरा रह गया गाना जीना यहाँ मरना यहाँ को शैलेंद्र के बेटे शैली शैलेंद्र ने पूरा किया, जो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। रावलपिंडी और मथुरा में बीते बचपन के बावजूद शैलेंद्र की शख्सियत में बिहार, भोजपुरी और पुरबिया माटी की महक ता उम्र मौजूद रही। इसकी मिसाल है उनके लिखे गीत पान खाए सैया हमार, पिया तो से नैना लागे, सजनवा बैरी हो गए हमार और चलत मुसाफिर समेत दर्जनों गीत। उड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे, बर्फी के सब रस ले लिया। शैलेंद्र के गीतों के मुरीद उस समय के कई जाने माने गीतकार भी थे। इसके मिसाल के तौर पर यहाँ साहिल लुधियानवी के एक वाक्य का जिक्र करना जरूरी है।
साल 1964 में लुधियानवी को फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था। तब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि शैलेंद्र फिल्म बंदनी के लिखे अपने गीत मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे के लिए इस अवार्ड के मुझसे ज्यादा हकदार हैं। यही नहीं, साहिर ने इस गीत को अपने समय का सबसे बेहतर देशभक्ति गीत तक कहा था। जन्मभूमि के काम आया मैं, बड़े भाग है मेरे, मत रो माता। शैलेंद्र को अपने बेहतरीन गानों के लिए 3 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा के हकदार थे। उनके गीतों में जीवन के जो रंग हैं वो मोटे तौर पर उर्दू या फारसी के रंग से जुदा हैं। उन्होंने जो भक्ति गीत लिखे वो संतों की वाणी से कम नहीं लगते। तभी तो शैलेंद्र को रैदास तक कहा गया। इस पेशकश में शैलेंद्र की संत चेतना की तस्दीक करते हुए इस गाने के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। और जमुना की गहरी।